हेलो दोस्तों, मैं अंगद शर्मा, टेक्निकल अंगद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन। ये जो आप देख सकते हैं, इस सोल्डरिंग आयरन को बनाना काफ़ी आसान है और यह कम रेट में बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किससे बना गया। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं किससे बनाया गया। चलिए दोस्तों, इस वाले सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए हमने लिया है 35 वाट का एलिमेंट। आप चाहें तो ले सकते हैं 10 वाट का एलिमेंट, ये मुझे पड़ा है 10 रुपये का। फिर उसके बाद लेंगे एक 35 वाट का बिट, ये मुझे 18 रुपये का मिला है। ये सारा सामान आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन की बॉडी बनाने के लिए हमने लिया टीन कनस्तर, जहाँ पे अलमारी बक्सा बनाई जाती है वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। उससे पहले हमें चाहिए एलिमेंट, आप देख सकते हैं ये एलिमेंट कुछ इस प्रकार का है। फिर उसके बाद हमें चाहिए बीट, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, तो इसके लिए हम लगा लेते हैं मार्किंग। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने इस पर मार्किंग लगा कर कट भी कर दिया है। तो चलिए इसका डायग्राम आपको बताता हूँ। ये जो हमने खींची है दो लाइनें, ये जो इसकी बाहरी वाली एरिया है ये 9 mm, और जो इसके अंदर वाली एरिया है 13 mm, और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वह है 10 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा वाला पट्टी है, ये जो हमने लाइनें खींची है इसकी जो बाहरी वाली एरिया है वह है 10 mm, और जो इसके अंदर वाली एरिया है वह है 14 mm, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ये जो हमने लाइनें खींची है यहाँ से कुछ ही प्रकार से मोड़ देंगे। तो चलिए मोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने मोड़ दिया है कुछ इस प्रकार से, सेम इसी तरह इसे भी मोड़ लेंगे। हाथों पर आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मोड़ दिया है। अब लेंगे सैंड पेपर को, ऐसे अच्छे से इस प्रकार से घिस देंगे। चलिए घिस देते हैं। ये जो है हमने इसे घिस दिया है, अब ये दोनों को लेंगे इस प्रकार से इसमें लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से लग चुका है। इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रख कर इसमें लगा लेते हैं मार्किंग। यहाँ पे होल करेंगे ड्रिल मशीन की मदद से। तो चलिए कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसमें होल कर दिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब लेंगे एलिमेंट को, इसमें कुछ इस प्रकार से इसे लगा कर इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। और इसमें लगाएंगे ये नट बोल्ट, ये आप जानते होंगे ये जो होती है बिजली की बोर्ड, ये जो इसमें लगाए जाते हैं प्लग स्विच, उसी का एक नट बोल्ट है। तो आप किसी का भी ले सकते हैं, इसे इसमें लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आसानी से लग चुका है। इसमें लगाने के लिए हमने लिया पीवीसी पाइप, ये पीवीसी पाइप 15 mm का है। आप चाहें तो बना सकते हैं लकड़ी का, अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें से इतना कट कर लेता हूँ। हमने इसे कट कर दिया है, इसकी डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए इसे अब सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग दे देते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से सैंड पेपर से घिस कर फिनिशिंग दे दिया है। अब ये जो इस पर जो लिखी हुई है, आप चाहें तो इसे छुड़ा सकते हैं। आप इस प्रकार से ब्लेड लीजिए और उसे अच्छे से इस प्रकार से घिस दीजिए, ये छूट जाएगा आसानी से।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से छुड़ा लिया है। ये जो पाइप गंदी हो चुकी है तो इसे अच्छे से वॉश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब लेंगे इसे कुछ ही प्रकार से इसमें लगा देते हैं। अब लेंगे ये वायर, इसके आगे हमने लगाया प्लग। आप चाहें तो वायर को और बड़ा कर सकते हैं। ये जो सोल्डिंग आयरन है इसके पीछे लगाने के लिए हमने ये कट किया है, आप देख सकते हैं ये इसी का साइज का है। और ये हमने बीच में होल किए हैं। ये जो वायर है इसमें कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। तब तो देख सकते हैं हमने इसे लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सा चिपका देते हैं सुपर ग्लू की मदद से। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुका है। अब ये जो ये दो वायर है ये एलिमेंट का वायर है, तो चलिए इसे फटाफट इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इस पे लगा देते हैं टेप। आप देख सकते हैं हमने इस पे टेप लगा दिया है। अब से हम इसी तरह इसे भी लगा लेते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से टेप मार दिया है। अब इसको सिंपली कुछ इस प्रकार से अंदर करके ऐसे भी इस पे चिपका देते हैं। आप देख सकते हैं हमने इस पे लगा दिया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुका है। अब ये जो ये इसका आगे वाला हिस्सा है इसमें हम भरेंगे एम सील, तो चलिए एम सील भर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस पे अच्छे से एम सील को लगा दिया है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुका है। ये मेरा सोल्डिंग आयरन बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए फटाफट टेस्टिंग कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए इस प्लग को खोसेंगे 220 वोल्ट एसी में, तो चलिए खोस लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसे 220 वोल्ट में खोस दिया है। अब यहाँ से छू कर देखते हैं। आप देख सकते हैं हमें करंट नहीं लग रहा है। अभी हल्का हल्का गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। पहले से कुछ सोल्डिंग करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ये रंगा आप देख सकते हैं, इसे पिघलाते हैं फिर देखिए। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो चलिए से कुछ सोल्डिंग करके देखते हैं। ये मोटर ये इसका वायर है, तो चलिए सोल्डिंग करते हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं हमने इस पर सोल्डिंग कर दिया है। ये कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों अगर ये हमारा सोल्डिंग आयरन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत, बाय बाय।